सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। सबसे पहले हम अस्तर को काटेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 11 इंच की, और यहाँ से हमने चौड़ाई ली है 4 इंच की। नीचे से हम 4 इंच रखेंगे और यहाँ पे हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 इंच की लंबाई लेंगे और इसको हम बुकरम का काट के इसकी हम बुकरम की कटिंग करेंगे। अब हम इसको बराबर करके रखेंगे। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हमें 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। अब ये बीच के कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम इसको सीधा करके इसके ऊपर पहले सिलाई लगाएंगे। हाँ, कमर पे भी हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने कटिंग की है तो इसके बराबर हमें पहले बुकरम की कटिंग करनी है। हमने कपड़े से 2 इंच ज्यादा लिए बुकरम। अब हम पहले इसको अस्तर के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे, बाद में हम उसके ऊपर कपड़ा रख के इसको अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे। अभी हमने गोल्डन कपड़ा लिया है, इसको हम बुकरम वाले गले को इसके ऊपर रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। हमने टुकड़े किए हैं, 2 इंच की चौड़ाई है, 2 इंच की लंबाई है। अभी हमें इस तरीके से कुंडी से
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बराबर। अब हम एक पट्टी लेंगे और इसके ऊपर यहाँ से रखेंगे। अब हम इसको अंदर की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसको डबल करेंगे बराबर करके और यहाँ पर बीच में निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये ब्लाउज को भी डबल करेंगे और बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। यहाँ पे बीच में पहले कच्ची कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अभी हम मोती लेंगे और यहाँ पे बीच में लगाएंगे। ये बन गई हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।